आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का एक नया चैप्टर, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इस चैप्टर में एनसीईआरटी में बताया गया है कि स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेट्स में उनके आसपास जो मौजूद पानी होता है वो उनकी कैविटी से गुजरता है और कुछ इस तरीके से मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट इन लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। फिर आगे ने बताया, वैसे इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर डिफरेंट चीज़ों के ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड ही इस्तेमाल होता है, तो द मोस्ट कॉमनली यूज फ्लूइड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज ब्लड, ब्लड इस्तेमाल होता है। उसके आगे फिर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ब्लड के अलावा जो दूसरा बॉडी फ्लूइड जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है वो है लिम्फ। तो अब हम कहानी शुरू करते हैं ब्लड से। ब्लड से रिलेटेड कुछ बहुत बेसिक सी बातें पहले आपके साथ डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे कि आप ये बात जानते हैं कि स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि जो ब्लड का पीएच है वो वेरी करता है 7.36 से 7.42। इसमें जो कम वाला पीएच है वो वेन का है और जो ज़्यादा वाला पीएच है वो आर्टरी का। वेन का पीएच कम होने की वजह ये भी है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि कार्बोनिक एसिड में चेंज हुआ रहता है। तो एक सवाल फिर कॉम्पिटिशन में पूछा गया है कि पीएच ऑफ ब्लड इज, आपको आंसर लगाना होता है मोर इन आर्टरी एंड लेस इन वेन। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग जिसका वजन लगभग 70 kg होगा उसमें तकरीबन 5.5 लीटर ब्लड होता है। वैसे सवाल कभी कंपटीशन में पूछा नहीं गया। एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो कंपटीशन में पूछा गया है वो ये कि ब्लड हेल्प्स इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। ब्लड हेल्प्स इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस इन अवर बॉडी बाय मेंटेनिंग। किस तरीके से होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है ब्लड? बाय मेंटेनिंग आयनिक बैलेंस इन ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, और इसके अलावा एंड बाय रिमूविंग नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये सवाल कंपटीशन में आ चुका है। इसके अलावा इन्होंने पुराने पेपर में पूछ रखा है डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड का क्या है हमारी बॉडी में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स किस हिसाब से। तो आपने इसको याद कर लेना इस तरीके से कि पूरी बॉडी में जितना ब्लड है उसका 20% ट्रांसपोर्ट होता है ब्रेन को, इसके अलावा 20% ही ट्रांसपोर्ट होता है लीवर को, इसके अलावा 15% ट्रांसपोर्ट होता है किडनी को, ये थोड़ा रटना पड़ेगा आपको डेटा, इसके अलावा 5% ट्रांसपोर्ट होता है बोन्स को, और इसके अलावा 5% ही ट्रांसपोर्ट होता है हमारी हार्ट मसल्स को। कितना हो गया, 20 और 20 40 10 50 60 65 हो गया। बाकी का रिमेनिंग जो 35% है वो अदर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, एक छोटी सी बात जो आपने नोटिस की वो ये कि जो ब्लड का पीएच है वो 7.36 से 7.42। कंपटीशन में एक बार सवाल पूछा गया कि इफ पीएच ऑफ ब्लड इंक्रीजेस अप टू 8, अगर पीएच ब्लड का 8 या 8 से ऊपर हो जाए तो क्या होगा।
तो ब्लड के अंदर एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, आपको मालूम है प्लाज्मा में भी होता है, आरबीसीज में भी होता है, आरबीसीज में काफ़ी ज़्यादा होता है, 200-300 गुना ज़्यादा इन कंपैरिजन टू प्लाज्मा। वो काम करना बंद कर दे क्योंकि वो इसी पीएच पे बढ़िया काम करता है। इफ़ पीएच ऑफ ब्लड इंक्रीजेज अप टू 8 तो वहाँ पर ऑप्शन आपको ये मिलेगा कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज फंक्शन करना बंद कर दे। ठीक है, अच्छा अगर हम ब्लड को देखते हैं तो हमें उसमें दो चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो उसका लिक्विड वाला पार्ट होता है जो कहलाता है प्लाज्मा, और दूसरे उसके अंदर होते हैं ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन्हें एक साथ मिला के बोला जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एनसीईआरटी में यही लफ्ज इस्तेमाल किया गया, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। पूरी बॉडी में जितना भी ब्लड है उसका तकरीबन 55% पोर्शन प्लाज्मा है और तकरीबन 45% पोर्शन फॉर्म्ड एलिमेंट्स का होता है। इस 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स में तीनों तरीके से ऐसा आ जाते हैं, यानी एरिथ्रोसाइट्स जिन्हें आरबीसीज भी बोला जाता है, इसके अलावा ल्यूकोसाइट्स जिन्हें डब्ल्यूबीसीज कहा जाता है, और इसके अलावा थ्रोम्बोसाइट्स जिन्हें प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में है जिनसे लगातार कंपटीशन में सवाल पूछा जा रहा है। जैसे कि सवाल पूछा जा रहा है कि प्लाज्मा के अंदर वाटर कितना होता है, तो आपको आंसर याद करना है कि प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% वाटर होता है। इसके अलावा पूछा जाता है कि उसके अंदर प्रोटीन्स, ब्लड प्रोटीन्स कितने होते हैं, तो आपको याद करना है कि प्लाज्मा के अंदर 6 से 8% प्रोटीन्स। फिर आपको अगली बात याद करनी है प्लाज्मा के अंदर ब्लड प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, तो जो ब्लड प्रोटीन्स प्लाज्मा के अंदर ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं उनका नाम है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, इसमें लाइन आपको याद ही करनी है, एनसीईआरटी में दे रखा, कई बार सवाल पूछा गया है कि एल्ब्यूमिन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक बैलेंस इन ब्लड, हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक बैलेंस, ये लफ्ज पूछा जाता है, ऑस्मोटिक बैलेंस इन ब्लड। यानी कहने का मतलब ये है कि ब्लड ब्लड वेसल्स में ही मूव करे, बाहर निकल के ना आए, उसके लिए ऑस्मोटिक बैलेंस का मेंटेन होना ज़रूरी है। ऑस्मोटिक बैलेंस ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर कौन मेंटेन करता है? एल्ब्यूमिन। ग्लोबुलिन का फंक्शन है कि ये डिफेंस प्रोवाइड करता है, दे फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, तो ग्लोबुलिन क्या करता है? ग्लोबुलिन प्रोवाइड्स डिफेंस टू द बॉडी यानी दे फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। इसके अलावा फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन जो हैं ये हेल्प करते हैं ब्लड कोगुलेशन में, ब्लड क्लॉटिंग में, दे हेल्प्स इन ब्लड कोगुलेशन, दे हेल्प्स इन ब्लड कोगुलेशन, या फिर सिंपली आप कह सकते हैं कि दे हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। इसमें सिंथेसिस पर सवाल आ चुका है। जैसे कि ये ग्लोबुलिन्स हैं ये भी तीन तरीके के होते हैं, ग्लोबुलिन्स भी तीन तरीके के होते हैं, एक कहलाते हैं अल्फा ग्लोबुलिन्स, बीटा ग्लोबुलिन्स और गामा ग्लोबुलिन्स, है ना। आपको शायद याद हो लीवर के फंक्शन में हम ये पॉइंट याद कर चुके हैं, मैं पहले आपको याद दिला दूं, लीवर के फंक्शन में पॉइंट याद कर चुके हैं कि ऑल द ब्लड प्रोटीन्स या प्लाज्मा प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन लिवर। एक जनरल सवाल अगर पूछा जाता है कि जितने भी ब्लड प्रोटीन्स हैं वो सब के सब कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? लिवर में, एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन्स। हमने ऐसे आंसर याद किया था, एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन्स, गामा ग्लोबुलिन्स को छोड़कर सारे के सारे ब्लड प्रोटीन्स कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? लिवर में। अब जैसे कि ग्लोबुलिन्स तीन प्रकार के हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन, ये जो अल्फा ग्लोबुलिन है इनकी सिंथेसिस होती है लीवर में और लिम्फोइड ऑर्गन्स, लीवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स। ये जो बीटा ग्लोबुलिन है इनकी सिंथेसिस होती है लीवर में, सिर्फ लीवर में,
और गामा ग्लोबुलिन सिंथेसिस होती है लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, लिम्फॉइड ऑर्गन। जैसे कि आप ये देख रहे हो गामा ग्लोबुलिन सिंथेसिस लीवर में नहीं होती है, इसलिए सवाल ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ब्लड प्रोटीन जिसकी सिंथेसिस लीवर में नहीं होती है, आपको आंसर लगाना है गामा ग्लोबुलिन। इन गामा ग्लोबुलिन को एंटीबॉडीज भी कहा जाता है, बाकी की इनकी डिटेल आप हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में सुन लेंगे, ठीक है ना। तो प्लाज्मा के अंदर होता है 90-92% प्रोटीन, 90-92% वाटर, 6-8% प्रोटीन। प्रोटीन भी 3-4 प्रकार का है, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। एल्ब्यूमिन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक बैलेंस इन ब्लड, ग्लोबुलिन प्रोवाइड्स डिफेंस टू द बॉडी, दे फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। प्रोवाइड डिफेंस का मतलब दे फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। जो फिब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जितने भी ब्लड प्रोटीन्स हैं इन सब की सिंथेसिस होती है लीवर में, सिवाय गामा ग्लोबुलिन के। गामा ग्लोबुलिन कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? लिम्फोइड ऑर्गन्स में। और इन गामा ग्लोबुलिन को एंटीबॉडीज भी कहा जाता है। काफ़ी सारे सवाल हैं जो हम हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में कवर करेंगे। कुछ और चीज़ें जो कि प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती हैं, आप कह सकते हैं इनके अंदर मिनरल्स होते हैं। प्लाज्मा के अंदर मिनरल्स में आप सारे नाम बोल दो जो जो आपको याद है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, बाइकार्बोनेट आयन है, सारे ही मौजूद होते हैं ना। इसके अलावा इसके अंदर मौजूद होते हैं गैसेस, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। इसके अलावा इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, है ना, लिपिड्स हैं एटसेट्रा। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होगा एंटीकोगुलेंट। ब्लड में एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है? ब्लड में एंटीकोगुलेंट कौन सा प्रेजेंट होता है? हेपेरिन, है ना, हेपेरिन। तो मिनरल्स हो गए, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लड के अंदर क्या होंगे? जैसे कि यूरिक एसिड है, यूरिया है, इसके अलावा क्रिएटिन है, क्रिएटिनिन है, ये सब, ठीक है। तो अब तक की क्लास हमने समझा कि ब्लड का पीएच होता है 7.3 से 7.42। ब्लड का पीएच आर्टरी में ज़्यादा होता है, वेन में कम होता है। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन हीमेटोलॉजी। एक 70 केजी के बंदे के अंदर तकरीबन 5.5 लीटर ब्लड होता है। ब्लड का फंक्शन पुराने पेपर में पूछा गया, इट हैज बीन मेंटेनिंग होमियोस्टेसिस बाय मेंटेनिंग द आयनिक बैलेंस इन ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एंड बाय रिमूविंग द नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। डिस्ट्रीब्यूशन पुराने पेपर में पूछा गया, तो आपको याद रखना 20% ब्लड की सप्लाई होती है ब्रेन को, 20% लीवर को, 15% किडनी को, 5% बोन्स को, 5% हार्ट को, 35% अदर बॉडी पार्ट्स को। सवाल पुराने पेपर में पूछा गया, अगर ब्लड का पीएच 8 से बढ़ जाता है तो क्या होगा? तो आपको आंसर लगाना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज फंक्शन करना बंद कर देगा। ब्लड के दो पार्ट हैं, इसका ब्लड प्लाज्मा, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट। 55% ब्लड प्लाज्मा होता है, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन तीनों को मिलाकर ही फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहा जाता है। ब्लड प्लाज्मा में कुछ सवाल याद करने हैं, एनसीईआरटी बेस्ड सवाल पूछे गए। ब्लड प्लाज्मा के अंदर वाटर कितना होता है? आपको याद करना 90-92%। ब्लड प्रोटीन्स कितने होते हैं? 6-8%। कौन कौन से ब्लड प्रोटीन्स होते हैं? आप बोलेंगे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। एल्ब्यूमिन का काम क्या है? ये ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है। और फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन का फंक्शन क्या है? ये प्रोवाइड करता है डिफेंस, यानी कि दे फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, आप सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। जितने भी ब्लड प्रोटीन्स हैं सबके सब लीवर में बनते हैं, सिवाय गामा ग्लोबुलिन के। गामा ग्लोबुलिन बनते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, आप हेल्थ एंड डिजीज में इसके बारे में सुन लेंगे। अगर हम अलग अलग बात कर रहे हैं, अल्फा ग्लोबुलिन लीवर लिम्फॉइड ऑर्गन में बनते हैं, बीटा ग्लोबुलिन लीवर में ही बनते हैं, और गामा ग्लोबुलिन लिम्फॉइड ऑर्गन्स में ही बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड इन लिम्फॉइड ऑर्गन्स ओनली। इसके अलावा ब्लड प्लाज्मा के अंदर मिनरल्स भी हैं, गैसेस भी हैं, न्यूट्रिएंट्स भी हैं, एंटीकोगुलेंट, हेपेरिन भी, और वेस्ट प्रोडक्ट भी मौजूद होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही? आगे एनसीईआरटी में एक लाइन ये भी दे रखी है कि ब्लड प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स को माइनस कर दिया जाए तो उसे सीरम कहा जाता है। इसे हम डिटेल में ब्लड क्लॉटिंग टॉपिक में पढ़ेंगे, फिर भी एक लाइन हम रट सकते हैं कि ब्लड प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर्स माइनस कर दें, क्लॉटिंग फैक्टर्स माइनस कर दें, तो इसे बोला जाता है सीरम। क्या कहा जाता है? सीरम। सवाल कॉम्पिटिशन में ये भी पूछा गया है कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है तब भी उसका पीएच एसिडिक नहीं होता, 7.3 से 7.42 रहता है, क्यों? तो आपको आंसर लगाना है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड बफर्स। तो पीएच ऑफ ब्लड
कभी भी एसिडिक नहीं होती, जबकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। क्यों? तो आपको आंसर लगाना है ड्यू टू ब्लड बफर्स। किस वजह से? ब्लड बफर्स के। तो जाहिर सी बात, अगला सवाल कॉम्पिटिशन में ये भी पूछा गया है, ब्लड बफर्स कौन कौन से होते हैं। तो आपको आंसर याद करना है ब्लड बफर्स के नाम में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके अलावा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स, एंड प्लाज्मा प्रोटीन। क्या इतनी बात याद रहेगी? ठीक है, अब हम थोड़ा सी बात कर लेते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में एक लाइन तो आप सुन ही चुके हैं कि ये 45% पोर्शन है ब्लड का, और इसमें आ जाते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो हम सबसे पहले टॉपिक ले लेते हैं आरबीसी यानी कि एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी। कुछ बेसिक सी बातें तो आप आरबीसी पर पहले से जानते हैं, जैसे कि सारे ही ब्लड सेल में ही सबसे ज़्यादा होते हैं, दे आर द मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि नॉर्मल बंदे के अंदर जो आरबीसी काउंट होता है वो होता है 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है ना। इसके अलावा ये जानते हैं कि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और जिसका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। एनसीईआरटी में ये भी दे रखा है कि हीमोग्लोबिन कंटेंट जो आरबीसी में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, वह 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन मौजूद होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड, एनसीईआरटी में दे रखा है तो आपको याद होना है। तो हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना होता है? 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। अब क्योंकि एक बंदे के अंदर 5.5 लीटर ब्लड होता है, तो ये 1 लीटर के अंदर हो जाएगा 120 से 160 ग्राम। तो कंपटीशन में सवाल ये पूछा गया है कि टोटल हीमोग्लोबिन कंटेंट किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मैमल में कितना होता है, ह्यूमन बींग में कितना होता है। तो टोटल हीमोग्लोबिन कंटेंट आपके अगर 120 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5.5 से, वहाँ ऑप्शन दे रखा होता है सेवरल हंड्रेड ग्राम, एक जनरल ऑप्शन दे रखा होगा, ठीक है ना। आपने 9th-10th में ये भी पढ़ा होगा कि लाइफ स्पेन आरबीसी का कितना होता है, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज 120 दिन, है ना। लाइफ स्पेन आरबीसी का आपने पढ़ा है 120 डेज। फिर आपने पढ़ा कि उसके बाद जाके ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्प्लीन में, है ना, इसके बाद जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्प्लीन में। इसलिए एक सवाल आपने ये भी याद किया था, दैट्स वाई स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी। ये भी 11th NCERT में दे रखा है, इट इज़ नोन एज ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी। लेकिन आपने लीवर के फंक्शन में ये भी बात सुनी थी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज लीवर में भी होता है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज टेक्स प्लेस इन लीवर ऑल्सो, लीवर में भी होता है। क्या वाली बात आपको याद रहेगी? अच्छा, इसके अलावा आप आरबीसीज के शेप पर बात कर सकते हैं, जैसे कि जो मैच्योर आरबीसी होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। मैमल्स के अंदर जो मैच्योर आरबीसीज होते हैं, मैच्योर आरबीसीज इन मैमल्स लैक्स न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। पूरी लाइन आपको याद ही करनी है, न्यूक्लियस नहीं होता, इसके लिए एक लफ्ज आता है ई न्यूक्लिएटेड। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो मैमेलियन आरबीसीज होते हैं, जो मैमेलियन आरबीसीज होते हैं उनमें आप एक सेंटेंस रख सकते हैं कि वो होते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड यानी कि ई न्यूक्लिएटेड, गोल होते हैं यानी सर्कुलर, और साइड से हम देखें तो बाइकॉनकेव होते हैं, बाइकॉनकेव। यानी कहने का मतलब ये है कि ऊपर से इस तरीके से नज़र आएंगे और साइड में आपको इस तरीके के नज़र आएंगे, तो सर्कुलर एंड बाइकॉनकेव, ठीक है ना। मैमल्स के अलावा और जितने हैं, जैसे कि फिशेज हैं और दूसरे वर्टिब्रेट्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स,
फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, इन सब के आरबीसी कैसे होते हैं? न्यूक्लिएटेड. उल्टा हो जाएगा इसका आंसर, कैसे होते हैं? न्यूक्लिएटेड. इसके अलावा यहाँ सर्कुलर लिखा है, यहाँ पर आप लिखेंगे ओवल. बाइकॉन के इधर आप लिखेंगे बाइकॉनवेक्स, बाइकॉनवेक्स. तो मैमल्स के अलावा और जितनी वर्टिब्रेट्स हैं उनके आरबीसीज होते हैं न्यूक्लिएटेड, ओवल और बाइकॉनवेक्स. ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है कि कैमल और लामा, ये एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इस तरीके से कि इनके आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड तो होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड तो होते हैं, लेकिन साथ में ओवल भी होते हैं और बाइकॉनवेक्स भी होते हैं. ये लफ्ज़ आपको रटना है, ठीक है ना. तो मैमल्स का आरबीसी इन्यूक्लिएटेड और नॉन न्यूक्लिएटेड, सर्कुलर और बाइकॉनकेव, सर्कुलर बाइकॉनकेव. इसके अलावा फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के न्यूक्लिएटेड, ओवल, बाइकॉनवेक्स. कैमल और लामा के अंदर नॉन न्यूक्लिएटेड तो होते हैं, साथ में ओवल और बाइकॉनवेक्स, ठीक है ना. एक सवाल आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज कहलाता है एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस. सवाल आप याद कर सकते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज, इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज कहलाता है पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया. आ चुका है सवाल. क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज, डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज इज नोन एज एरिथ्रोपेनिया, एरिथ्रोपेनिया, ठीक है ना. एक सवाल आप याद कर सकते हैं, एबनॉर्मल या डेविएशन, ऐसा आया सवाल, डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसीज, पॉइकिलोसाइटोसिस, पॉइकिलोसाइटोसिस. कंपटीशन में एक बार सवाल पूछा गया था, मतलब ये एक दो बार एमयू में बेवकूफ़ी के सवाल आ चुके हैं कि साइड्रोसाइट, ऐसे आरबीसीज को कहा जाता है जिनमें पैपन हीमर बॉडीज नज़र आती हैं. पैपन हीमर बॉडीज कहने का मतलब यह है कि उन आरबीसीज में ऐसा आयरन मॉलिक्यूल नज़र आएगा जो कि हीमोग्लोबिन के साथ जॉइन नहीं होता. ऐसे आरबीसी को बोला जाता है साइड्रोसाइट. और साइड्रोसाइट आरबीसीज में क्या नज़र आती है? पेपर हीमर बॉडीज. पेपर हीमर बॉडीज मतलब आयरन ग्रेन्यूल्स नज़र आते हैं जो कि हीमोग्लोबिन के साथ जुड़े हुए नहीं होते. एक बार एमयू में 97 में ये भी सवाल आ चुका है कि एडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर, एडल्ट ह्यूमन बींग के अंदर जो हीमोग्लोबिन की टाइप्स पाई जाती हैं वो कुछ इस तरीके से, HbA, HbA2 और HbF. ये F मतलब फीटल हीमोग्लोबिन, इसकी परसेंटेज पूछी गई थी. तो आपको आंसर लगाना था 95%, 96 दे रखा था उन्होंने ऑप्शन में, 96%, 2% और 2%. वैसे ये सवाल अब दोबारा आएंगे नहीं इस तरीके. HbA एडल्ट हीमोग्लोबिन है, इसमें दो अल्फा चेन होती हैं, दो बीटा चेन होती हैं. HbA2 में दो अल्फा चेन होती हैं, दो डेल्टा चेन होती है. HbF में दो अल्फा चेन होती है और दो गामा चेन होती है. एक एडल्ट बंदे के अंदर जो टोटल आयरन कंटेंट होता है हीमोग्लोबिन में, टोटल आयरन कंटेंट एक एडल्ट बंदे के अंदर तकरीबन होता है 4 ग्राम, ठीक है ना. अब अगर हम इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स याद करें कि आरबीसीज का फॉर्मेशन कितनी एज में कहाँ कहाँ पर होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज आपको याद रखना है कि अप टू 2 मंथ्स ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, जब बच्चा यूट्रस में होता है, अप टू 2 मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ आरबीसी का फॉर्मेशन होता है यॉक सैक में. ये आप 12th क्लास में सीखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में यॉक सैक क्या होता है. उसके बाद 3 मंथ से लेके फ्रॉम 3rd मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ आरबीसी का फॉर्मेशन होता है मेनली लिवर में, एंड इसके अलावा थोड़ा बहुत स्प्लीन में भी होता है, ठीक है ना. फ्रॉम आखिर के 3 महीने, फ्रॉम लास्ट
थर्ड मंथ ऑफ इंट्रायूटराइन लाइफ जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो होता है रेड बोन मैरो में और लीवर में। लास्ट थ्री मंथ इंट्रायूटराइन लाइफ में कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में और लीवर में। डिलीवरी के बाद आफ्टर बर्थ आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है सिर्फ रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। जब एक बच्चे की उम्र 20 साल हो जाती है तो जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स की शेफ्ट में जो बोन मैरो है वो येलो कलर का हो जाता है और वो बन जाता है येलो बोन मैरो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट। लॉन्ग बोन्स की जो शेफ्ट होती है और यहाँ पर आरबीसीज का फॉर्मेशन रुक जाता है। ऐसे में जो फिर फॉर्मेशन होगा आरबीसीज का वो रेड बोन मैरो में ही होगा। 20 साल की उम्र के बाद आपको रेड बोन मैरो कहाँ कहाँ नज़र आएंगी? जैसे क्रेनियल बोन्स में नज़र आएंगी, इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम में नज़र आएंगी, वर्टिब्रल कॉलम सारी बड़ी हड्डी छोड़ के बाकी नाम बोल देंगे, क्लेविकल है, स्कैपुला है ना, रिब्स है, स्टर्नम है, और इसके अलावा डॉर्सल पार्ट होगा ऑफ ह्यूमरस एंड फीमर। मैं फिर से बता देता हूँ, पॉइंट्स काफ़ी सारे हो गए कि ब्लड प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दो तो ये कहलाता है सीरम। पीएच ब्लड का एसिडिक नहीं होता जबकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है क्योंकि इसके अंदर ब्लड बफर्स होते हैं। कॉम्पिटेटिव सवाल पूछेगा ब्लड बफर्स के नाम आप याद करें, सोडियम बाइकार्बोनेट, हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा प्रोटीन। फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होते हैं, तीन तरीके इसमें सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। पहले मैंने बात की आरबीसीज की, मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स होते हैं आरबीसीज, आप जानते हैं। नॉर्मल काउंट कितने हैं? 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। इसके अलावा आरबीसीज के अंदर होता है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है ना। इसके अलावा नॉर्मल काउंट हीमोग्लोबिन के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन मौजूद है पर 100 ml ऑफ ब्लड, क्योंकि हमारा ब्लड तकरीबन एक एडल्ट बंदे का 5.5 लीटर होता है। तो कॉम्पिटिशन सवाल बना कि टोटल हीमोग्लोबिन कंटेंट ह्यूमन बॉडी में कितना होता है? ऑप्शन दे रखा होता है 700 ग्राम। लाइफ स्पेन आरबीसी का 9-10 से जानते हैं 120 दिन, उसके बाद जाके टूट जाते हैं स्प्लीन में, इसलिए स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहते हैं। लेकिन लीवर वाले चैप्टर में, लीवर टॉपिक में आपने सुन रखा है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज लीवर में भी होता है और स्प्लीन में भी होता है, तो लीवर में भी डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसीज के, आप याद रखेंगे। मैच्योर आरबीसी मेमल्स के अंदर इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ई न्यूक्लेटेड होते हैं। 2017 नीट में सवाल पूछा गया था ई न्यूक्लेटेड आरबीसीज होने की क्या वजह हो सकती है, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न क्या होगा। तो उन्होंने ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज दिया था, उसमें पहली बात ये लिखी हुई थी कि अंदर का लगभग सारा ही स्पेस इस्तेमाल हो जाए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के अंदर। इसके अलावा आरबीसीज को मेटाबोलाइज नहीं होना होता, आरबीसीज को रिप्रोड्यूस नहीं होना होता, इसलिए इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। मैमल्स के जो आरबीसीज हैं इन्यूक्लेटेड होते हैं, सर्कुलर बाइकॉनकेव। फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल और बर्ड्स के होते हैं न्यूक्लेटेड, ओवल और बाइकॉनवेक्स। कैमिल लामा एक्सेप्शन है, इनके नॉन न्यूक्लेटेड होते हैं साथ में ओवल और बाइकॉनवेक्स। फॉर्मेशन आरबीसीज का कहलाता है एरिथ्रोपोइसिस, इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज पॉलीसाइथीमिया, डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज एरिथ्रोपीनिया, डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसीज। एक बार पुराने पेपर में सवाल आया पॉइक्लोसाइटोसिस, साइड्रोसाइट उन आरबीसीज को बोलते हैं जिनके अंदर पैपनहीमर बॉडीज होती हैं। पैपनहीमर बॉडीज मतलब आयरन ग्रेन्यूल जो कि हीमोग्लोबिन के साथ जुड़े हुए नहीं होते। एडल्ट हीमोग्लोबिन में तीन तरीके का हीमोग्लोबिन होता है, HbA, HbA2, HbF। HbOs हीमोग्लोबिन बोलते हैं, इसमें 2α 2β चेन होती हैं, HbA2 के अंदर 2α 2 डेल्टा चेन, HbF के अंदर 2α 2 गामा चेन। इनकी परसेंटेज एक बार एमयू पूछी गई थी, 96%, 2%, 2%, सही आंसर 95, 3 और 2। टोटल आयरन कंटेंट बंदे के अंदर कितना होता है? मैमल के अंदर आप आंसर लगाएंगे 4 ग्राम, और हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना? 700 ग्राम। आरबीसीज का फॉर्मेशन किस तरीके का? शुरू के 2 महीने में, प्रेगनेंसी के शुरू के 2 महीने में आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है यॉर्क सैक में। 3rd महीने से आरबीसीज का फॉर्मेशन मेनली लीवर में होता है, थोड़ा बहुत स्प्लीन में, और लास्ट के 3 महीने में रेड बोन मैरो में और लीवर के अंदर। डिलीवरी के बाद आरबीसीज का फॉर्मेशन सिर्फ रेड बोन मैरो के अंदर ही होता है। जब एक बच्चा 20 साल का हो जाता है तो उसकी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उसकी शेफ्ट में फैट का डिपोजिशन हो जाता है, फैट का डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से जो बोन मैरो है वो येलो हो जाती है और वहाँ पर आरबीसी का फॉर्मेशन ख़त्म हो जाता है। ऐसे में रेड बोन मैरो में ही आरबीसी का फॉर्मेशन रहता है। रेड बोन मैरो कहाँ नजर आएंगी? लंबी बोन से छोड़कर बाकी नाम बोलते हैं क्रैनियम में, वर्टिब्रल कॉलम में, क्लेविकल में, स्कैपुला में, रिब्स में, स्टर्नम में, डॉर्सल पार्ट ऑफ फीमर एंड ह्यूमरस। याद रहे कितनी बात। इसमें एक छोटी सी बात आप ये भी याद कर सकते हैं कि कैसे हीमोग्लोबिन बनता होगा। 2 मॉलिक्यूल सक्सेनाइल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के साथ मिलकर बनाते हैं
पायरोल, और चार पायरोल मिलकर बनाते हैं पोरफायरिन। पोरफायरिन जब आयरन के साथ मिल जाता है तो बन जाता है हीम, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के बन जाता है हीमोग्लोबिन। खैर इस पर कभी सवाल नहीं पूछा गया है। अब अगर हम थोड़ा सा ये सीखें कि किस तरीके से RBCs का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता होगा, तो आपको लाइन याद ये करनी है कि बोन मैरो के अंदर कुछ खास सेल्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल, उन स्टेम सेल्स का नाम है माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट, ये माइलोब्लास्ट चेंज होते हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, ये प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से चेंज हो जाते हैं एरिथ्रोब्लास्ट में। एरिथ्रोब्लास्ट में, एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज तक न्यूक्लियस RBCs में पाया जाता है। फिर ये एरिथ्रोब्लास्ट चेंज होते हैं नॉर्मोसाइट में। नॉर्मोसाइट पाए जाते हैं बोन मैरो। बोन मैरो इससे पहले बनता है रेटिकुलोसाइट। तो एरिथ्रोब्लास्ट चेंज होते हैं रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो कौन सी स्टेज है RBC जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? रेटिकुलोसाइट। वो कौन सी स्टेज है लास्ट जिसमें कि न्यूक्लियस पाया जाता? एरिथ्रोब्लास्ट। रेटिकुलोसाइट फिर चेंज होते हैं नॉर्मोसाइट में। नॉर्मोसाइट उन RBCs को कहते हैं जो बोन मैरो में पाए जाते हैं। बोन मैरो में पाए जाते हैं, और फिर ये नॉर्मोसाइट चेंज हो जाते हैं एरिथ्रोसाइट में। नॉर्मोसाइट को एरिथ्रोसाइट जब बोला जाता है जब वो बोन मैरो से निकलकर ब्लड में आ जाते हैं। इस बीच आपको ये भी याद करना है कि रेटिकुलोसाइट नॉर्मोसाइट में चेंज होते हैं जब इनमें फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जुड़ जाता है। फॉलिक एसिड विटामिन B12 जुड़ने के बाद, खैर ये सब पूछा नहीं जाता, आपको बस ये याद कराना था मुझे कि कौन सी स्टेज है लास्ट RBC स्टेज जिसमें कि न्यूक्लियस पाया जाता है एरिथ्रोब्लास्ट। इसका मतलब मैमल्स के RBCs में भी न्यूक्लियस पाया जाता है एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज तक, और वो कौन सी स्टेज है जिसमें कि न्यूक्लियस गायब हो जाता है? रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट चेंज होते हैं नॉर्मोसाइट में। नॉर्मोसाइट चेंज हो जाते हैं एरिथ्रोसाइट में। इतनी बात समझ में आ गई।